हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार, वेलकम है आपका एवन बायोलॉजी में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में आपको बताया इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, किसकी लाइफ साइकिल दो फेज में पूरी होती है, गैमेटोफिटिक फेज एंड सेप्रोफिटिक फेज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। कैंपबेल, स्मिथ और टैक्जन ने ब्रायोफाइटा को तीन क्लासेस में डिवाइड किया था। हिपेटिसाइड, जिसके अंतर्गत आते हैं रिप्सिया और मार्केंसिया, एंथोसिरोटाई, जिसके अंतर्गत आपका आता है एंथोसिरोस, और मसाई, जिसके अंतर्गत फ्यूनेरिया, स्पेरनम और आपका पोलीट्राइटम आते हैं। तो ये तीन क्लासेस बताई थी कैंपबेल 1940, स्मिथ 1955 और टैक्जन 1953। इन्होंने ब्रायोफाइटा को तीन क्लासेस में डिवाइड किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए फोर्स्कर इन 1957। इन्होंने इन नामों को दूसरी क्लास जो आपकी एंथोसिरोटेई थी इसको बोला एंथोसिरोटोप्सिडा, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे हॉर्नवॉर्ट्स। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो मसाई थी इसको ब्रायोप्सिडा बोला, इसके अंतर्गत आते हैं हमारे मॉसेस। तो हम इसका वन बाय वन डिस्कस करेंगे अब। तो सबसे पहली क्लास है हिपेटोकॉप्सिडा। हिपेटोकॉप्सिडा के अंतर्गत लीवर बोर्ड, इनको जनरली क्या बोलते हैं, कॉमनली हम लीवर बोर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी अपीयरेंस जो होती है इट इज लीवर लाइक, जैसे लीवर की स्ट्रक्चर होती है उसी तरह से ये दिखाई देते हैं। और इनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलोइड है, यानी कि रूट, लीफ और स्टेम में डिवाइडेड नहीं है, थैलस बॉडी है। और कैसी है, डोर्सी वेंट्रल है, यानी कि आधार से चिपकी हुई है, ये इरेक्ट ना होकर के सरफेस से चिपके हुए रहते हैं। और इसके अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर में या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा या बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर इनके अंदर बनती है जिनको हम बोलते हैं क्या, जेमा। तो देखिएगा, ये अगर आपका लीवर वॉल्ट्स है तो इसके अंदर आपका ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल ऐसे बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर जो है ग्रो करती हैं। और ये जो है दे ग्रो इन द स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड एज गैमा कप। ये आपका इस तरह से रिसेप्टिकल्स होंगे जिनको गैमा कप्स बोलते हैं, उनके अंतर्गत ये उनके अंदर जो है आपका क्या पैदा होते हैं, जैमा पैदा होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं। और ये जो बर्ड्स हैं आपका ये डिटैच होने के बाद प्लांट बॉडी से, यहां से ही प्लांट बॉडी से डिटैच होने के बाद दे गिव राइज टू न्यू लीवर वॉर्ड्स। ये क्या करेंगी, एक नए लीवर वॉर्ड्स को जन्म देंगी। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या तो होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, अदरवाइज इसके अंतर्गत इसके अंदर क्या बनेंगे, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज द जैमा, जिनको क्या बोलते हैं, जैमा बोलते हैं। ये जैमा जो है दीज आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स व्हिच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल्स के अंदर जो है पैदा होती है, जिनको बोलते हैं जैमा कप्स। इनके इसको क्या बोलेंगे, जैमा कप्स। इसके अंदर क्या होंगे, हमारे जैमा होंगे। और ये यहां से डिटैच होने के बाद पहले प्लांट बॉडी से क्या करेगी, नया थैलस बनाएगी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें अगर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताया था कि मेल जो ऑर्गन है वो क्या है, एंथ्रीडियम, और फीमेल क्या है, आर्जिगोनियम। आर्जिगोनियम क्या बनाएगा, आर्जिगोनियम में प्रोड्यूस होंगे हमारे एग्स, और एंथ्रीडियम बनाएगा एंथ्रोजॉइट्स। तो ये या तो आपका दे डेवलप आइदर ऑन सेम प्लांट और ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट बॉडी, ये या तो एक ही थैलस पर या अलग अलग थैलस पर ये आपका ग्रो करते हैं। और यहां पर जो आपका स्पोरोफाइट है इट इज डिवाइडेड इनटू फुट, सीटेई एंड कैप्सूल। तो इसका ऊपर वाला भाग इसको बोलते हैं कैप्सूल, और ये आपका सीटर, और नीचे जो है ये होता है फुट,
और ये फुट जो है अटैच रहता है किससे, गैमिटोफाइट से। किससे अटैच रहेगा, गैमिटोफाइट से। इन प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू दैट स्पोरोफाइट आर कंप्लीटली डिवाइड ऑन द कंप्लीटली डिपेंड ऑन द गैमिटोफाइट। किस पर डिपेंड है, कंप्लीटली गैमिटोफाइट पर। तो जो आपका यहां पर स्पोरोफाइट बनेंगे वो किस में डिवाइड होगा, फूड सीटा और कैप्सूल में। फूड जो है इसको क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, और कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे आपके, स्पोर्स बनेंगे। जो आपका स्पोर्स है वो कहां बनेंगे, कैप्सूल के अंदर बनेंगे। और यही स्पोर्स जो है क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर के नए थैलस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर क्या आता है हमारा, रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। लिवर वर्ड्स में क्या आते हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। तो ये आपका गैमेटोफिटिक बॉडी है जिसके अंदर राइजोट्स होते हैं। राइजोट्स जो है सबस्ट्रेट से अटैच करते हैं। इसी गैमेटोफाइट पर क्या बनते हैं आपका, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। और ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होकर के जो है एक जायगोट बनाएंगे। और जायगोट क्या करेगा, जायगोट मियोसिस के थ्रू स्पोरोफाइट बनाएगा। और स्पोरोफाइट किसमें डिवाइड होगा, फूड सीटा और कैप्सूल में। इस कैप्सूल के अंदर बनेंगे स्पोर्स, और यही स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, नया थैलस बनाएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट द क्लास हेपेटोकॉक्सिडा। और यार लिवर वॉल्स भी इसको बोलते हैं। जनरली जो एनसीईआरटी में दिया है वो लिवर वॉल्स और मोसिस, दो ही क्लासेस यहाँ पर आपकी दी गई हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, डोर्सी वेंट्रल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, या जैमा कप के अंदर जैमा बनेंगे जो कि ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स है, और ये डिटैच होकर के क्या बनाएंगे, नई प्लांट को बनाएंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बनता है, ये या तो सेम प्लांट में या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में डेवलप होते हैं। और इस गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बनेगा जो सीधा कैप्सूल और फुट में डिवाइड होगा। इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे, यही स्पोर्स जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम अगली क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज एंथ्रोट्रोक्सिडा। तो तब तक के लिए, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके सुझाव हैं या जो भी क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।